बिजनौर नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बिजनौर में मतदाता द्वारा आज अपने मतदान का प्रयोग सुबह से किया जा रहा है। जनपद की 12 नगर पालिका और 6 पंचायत में मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। निकाय चुनाव में आज बिजनौर जिले की बीजेपी की सदर विधायिका सुची चौधरी ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। विधायिका ने अपना वोट बिजनौर के डीएवी इंटर कॉलेज के बूथ नंबर 44 पर डाला। बिजनौर की विधायिका ने बीजेपी की उम्मीदवार नीता अग्रवाल के पक्ष में वोट दिया और अपनी पार्टी की उम्मीदवार का मुकाबला किसी से नहीं बता रही हैं। वहीं बिजनौर के उम्मीदवार ने टिकट के विरोध में पार्टी के नेता विरोध करने के सवाल पर कहा कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो विरोध में उतर जाता है। विधायिका जी, आज आपने वोट डाला है नगर पालिका चुनाव में, क्या किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट डाला है? हमारा मेन मुद्दा विकास का मुद्दा है और जो भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में मिला है उसका मेन मुद्दा है। हम लोग शुरू से ही लोकसभा चुनाव से अपने इन्हीं विकास के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए और महिलाओं का सम्मान दिलाने के लिए हमारी लड़ाई है। और ये निकाय चुनाव जो है ये परिणाम देंगे किस तरह किस पूरी ईमानदारी के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, उसके नतीजे आज जनता को मिले हैं और 1 दिसंबर को उसका निर्णय आप सभी के सामने। बिजनौर में जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, किस पार्टी का या बीजेपी का मुकाबला होगा? नहीं, बीजेपी का किसी का मुकाबला नहीं होगा, सबका मुकाबला बीजेपी से होगा। अच्छा, बीजेपी का जो बिजनौर का आपके उम्मीदवार है उनका यहाँ जनता में काफी विरोध बताया जा रहा है, पार्टी के नेता भी उनका विरोध कर चुके हैं, इसे लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि ये एक थोड़ा सा जो शिक्षार्थी जो लाइन में एक होते हैं सभी को एक उम्मीद होती है कि हम लोगों को शायद टिकट मिलेगा, तो वो थोड़ी सी निराशा होती है जो कि 1-2 दिन सबके बीच में रही। बाकी कोई विरोध नहीं है, सब साथ हैं और सब ने बहुत अच्छे से चुनाव में मेहनत भी की है और परिणाम भी अच्छे ही निकल के आएंगे।